नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। रेस्टोरेंट चेन कंपनी बारबेक्यू नेशन का आईपीओ आज यानी बुधवार सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। कंपनी प्राथमिक बाजार से 453 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। वह 180 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर जारी करेगी। 273 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत बेचे जाएंगे। कंपनी फ्रेश शेयरों से होने वाली आय का इस्तेमाल कारोबार को बढ़ाने और कर्ज चुकाने के लिए करेगी। कोरोना संकट का बहुत ज्यादा असर रेस्तरां उद्योग पर पड़ा है। ऐसे में निवेशकों को इस इशू से दूर रहते हुए भविष्य में इसके शेयरों के प्रदर्शन पर नजर रखनी चाहिए। बता दें, कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। बीते 3 वित्त वर्षों से यह कंपनी घाटे में है। इसके अलावा ये भी नहीं भूलना चाहिए कि किसी रेस्टोरेंट को बाजार में पैठ बनाने में एक लंबा वक्त लगता है। कारोबार और वित्तीय सेहत की बात करूं तो बेंगलुरु की ये कंपनी देश के 77 शहरों में 164 रेस्तरों का परिचालन करती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी का औसत बिल 3,026 रुपए से बढ़कर 3,249 रुपए तक पहुंच गया। कोरोना वायरस की मार से उबरने के लिए कंपनी ने डिलीवरी सर्विस शुरू की है। ऐसे में नवंबर 2020 में कंपनी की बिक्री में डिलीवरी की हिस्सेदारी 15% थी। वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 20% की दर से बढ़कर 850 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का घाटा 5.8 करोड़ रुपए से 32.9 करोड़ रुपए हो गया। अब देखिए, जोखिम की अगर बात करूँ तो जोखिम की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में कोरोना महामारी ने रेस्टोरों कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचाया है, मगर बारबेक्यू नेशन पहले से लंबे समय से घाटे में है। होटल और रेस्टोरों बिजनेस में काफ़ी अधिक पूंजी लगती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बारबेक्यू नेशन के कुल रेवेन्यू का 80% इसके खर्चे के रूप में इस्तेमाल हुआ था। रेस्टोरों उद्योग को अपनी लागत वसूलने के लिए 3 साल का समय लग जाता है। महामारी के चलते इसमें अधिक समय लग सकता है। अब अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं, वैल्यूएशन देखिए, जनवरी 2021 में कंपनी ने कुछ निवेशकों को 252 रुपए के भाव पर शेयरों का आवंटन किया था, मगर आईपीओ में यह करीब दोगुने भाव पर शेयर पेश कर रही है। वित्त वर्ष 2019-20 के रेवेन्यू के आधार पर कंपनी 2 गुना से अधिक प्राइस टू सेल मल्टीपल की मांग कर रही है। कंपनी की छोटी प्रतिद्वंदी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, वित्त वर्ष 2019-20 की बिक्री के आधार पर 0.6 गुना मतलब 0.6% के प्राइस टू सेल पर कारोबार कर रही है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट मेनलैंड चाइना, ओहो कैलकटा और सिगरी ग्लोबल ग्रिल चेन का संचालन करती है। वहीं जाते जाते बता देना चाहता हूँ कि बर्गर किंग इंडिया और वेस्ट लाइफ 4 गुना प्राइस टू सेल पर कारोबार कर रही हैं। तो ये थी पूरी जानकारी बारबेक्यू नेशन के आईपीओ को लेकर। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।